प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोयाबीन की सब्जी बनाना बताएंगे बिल्कुल नए तरीके से। तो आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सामग्री में हमने ये सोया बड़ी ले लिया है, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है सोयाबीन। और ये 3 मीडियम साइज प्याज ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज टमाटर ले लिए हैं, थोड़ा अदरक ले लिए हैं। अगर इस तरीके सोया बड़ी की सब्जी बनाएंगे तो बच्चे से बूढ़े तक बहुत ही पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम सोया बड़ी को भिगो देते हैं ताकि अच्छी तरीके फूल जाए। जब तक ये फूल रही है तब तक हम आगे प्रोसेस में चलते हैं। तो अब हम मसाले भिगो देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं। ये तीखी नहीं होती, इससे कलर बढ़िया आएगा सब्जी का। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं। अब हम पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके फूल जाएं। अब हम प्याज काट लेते हैं। तो इस तरीके हमने प्याज का छिलका उतार के इस तरीके काट के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, 5 कलियां लहसुन ले लिए हैं, 1 हरा मिर्च ले लिए हैं, अदरक को हमने इस तरीके काट लिया है और टमाटर का बीज निकाल के बीज अलग कर दिए हैं। तो टमाटर भी हमने इस तरीके काट लिया है, बीज को अलग प्लेट में रख लिए हैं और ऊपर का हिस्सा अलग प्लेट में रख लिए हैं। तो आइए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। 1 कलछुल सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका है, अब हम सोया बड़ी डाल देते हैं। तो सोया बड़ी अच्छी तरीके फूल गई है, इस तरीके निचोड़ कर सभी सोया बड़ी डाल देते हैं। तो सभी सोया बड़ी हमने तेल में डाल दिया है। अब कटी हुई प्याज अदरक लहसुन मिर्च भी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम में इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। सोया बड़ी का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम टमाटर डाल देते हैं, इसे भी भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुका है, ये देखिए सोया बड़ी का कलर चेंज हो गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये हमने थाली में निकाल लिया है। तो अब हम हरा मिर्च, अदरक, लहसुन की कलियां और थोड़ा प्याज निकाल लेते हैं। अगर इस तरीके सोया बड़ी की सब्जी बनाएंगे तो बच्चे से बूढ़े तक बहुत ही पसंद करेंगे। तो इस तरीके एक बार जरूर से जरूर सब्जी बनाइए। ये हमने इस तरीके अदरक लहसुन हरा मिर्च निकाल लिए हैं और ये टमाटर का बीज जो निकाले थे इसे हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। ये हमने मिक्सी जार में पीस लिया है। तो आइए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 1 कलछुल सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, जीरा को चटकने देते हैं। जीरा अच्छी तरीके चटक गया है, ये देखिए। तो अब हम मसाले डाल देते हैं। मसाले अच्छी तरीके फूल गए हैं। अब हम अदरक लहसुन हरा मिर्च और जो टमाटर के बीज पीसे थे मिक्सी जार में उसे डाल देते हैं। इन सभी को अच्छी तरीके भून लेते हैं। मसाले हमें इतना भूनना है कि मसालों में से जब तक खुशबू ना आने लगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छी तरीके मिला देते हैं। मसाला अच्छी तरीके भून के तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और ये देखिए तेल भी छोड़ने लगा है मसाला। तो अब हम पानी डाल देते हैं। अब हम फ्राई किया हुआ सोया बड़ी, प्याज, टमाटर डाल देते हैं। इसे अच्छी तरीके मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए सोया बड़ी की सब्जी बनके तैयार हो गई, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसलिए कि हमने खड़े मसालों का प्रयोग किया है। तो आइए अब सर्व करते हैं। थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। तो सोया बड़ी की सब्जी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। कोई गलतियाँ हो माफ़ करिए।
सोया बड़ी की सब्जी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर से जरूर बनाइए और खाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बनी है। तो सोया बड़ी की सब्जी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।